शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। काना, तुम्हारे कारण हमें सदैव देर हो जाती है। तो अब और देर मत करो, इससे पहले कि रामू का सतर्क हो जाए, शीघ्रता करो। तो यहाँ हो तुम लोग, अच्छा हुआ जो सबके सब एक साथ मिल गए। अब यहाँ तो तुम्हें क्या लगा था हमारे फूलों की चोरी करोगे और पकड़ में भी नहीं आओगे? कौन सी चोरी, कैसी चोरी? सब बताऊंगा, पर यहाँ नहीं, नंद बाबा के सामने। नंद जी, एक भी फूल नहीं छोड़ा आपके लल्ला और इनके सखाओं ने। कान्हा, क्या ये सत्य है? बाबा, हमने योजना तो बनाई थी। देखिए नंद जी, ये स्वीकार भी कर रहा है। काका, योजना बनाना चोरी करना नहीं होता। और कान्हा अभी तो गया घर से, इतना शीघ्र तो मधुमक्खी भी मावन के सारे फूलों तक नहीं पहुंच सकती, तो कान्हा कैसे पहुंचेगा? वो तो मैं नहीं जानता नंद जी, पर इतना जरूर जानता हूँ कि मेरे सारे फूल चोरी हो गए हैं। लल्ला, सच सच बताओ, तुम लोगों ने इनके फूल तोड़े हैं या नहीं? नहीं मैया, मैं तो आपके पास माखन खा रहा था। मेरे लल्ला में कितने भी दोष हैं, पर वो कभी झूठ नहीं बोलता। पर नंद रानी, सच तो ये है कि मेरे सारे फूल चोरी हुए हैं और मेरे इतने माह का परिश्रम मिट्टी में मिल गया है महारानी। रामू जी, ऐसा नहीं होगा। आपके फूलों का जो भी मूल है वो मैं चुकाऊंगा, आप निश्चित होकर के यहाँ से जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद नंद जी। कान्हा, यदि तुमने और तुम्हारे सखाओं ने फूल नहीं तोड़े हैं तो ये तुम्हारा उत्तरदायित्व है ये पता लगाना कि इस घटना के पीछे कौन है। जाओ, जाकर के पता लगाओ। लल्ला, माखन तो खाकर जा। मैया, मैं तभी माखन खाऊंगा जब उस पुष्प चोर को खोज लूंगा जिसने हमारे वसंत उत्सव के फूल चुराए हैं। चलो सखाओ। पुरोहित जी, फूल ना तो भगवान कृष्ण के सखाओं ने तोड़े थे, ना स्वयं लीलाधारी कृष्ण ने, तो फिर महावन के सारे फूल गए कहाँ? ये कैसी लीला थी? तुलसी, इसी प्रश्न में ये उत्तर छुपा है कि भगवान कृष्ण को राधे राधे क्यों कहते हैं, पर उस समय आप सबकी तरह ही भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए विचार मंथन कर रहे थे। सखाओ, जिसने भी हमसे पहले ये फूल चुराए हैं, उसने हमें चुनौती दी है। पर कान्हा, वृंदावन के सारे ग्वाल बाल तो तुम्हारे साथ हैं, फिर तुम्हें कौन चुनौती दे सकता है? एक ही तो है दाऊ, जो मेरे हर कर्म का कारक स्वयं को मानती है, जो स्वयं को मेरी शक्ति समझती है और ये सिद्ध करने के लिए मेरे विरुद्ध भी जा सकती है। तुम किसकी बात कर रहे हो कान्हा? और किसकी दाऊ, एक ही तो है, वो बरसाना की गोपी। वृक्ष भानुसूता, उसके नाम को उलट दो तो धारा बन जाए। क्योंकि आज हमने वो कार्य किया है कि जिससे केवल बरसाना और वृंदावन ही नहीं अपितु वो बड़बोला कान्हा भी बोलेगा राधा राधा। राधा, ये तुमने ठीक नहीं किया। फूलों की चोरी तुमने की और आरोप
कहना पे लगेगा। लतिका, तुम मेरी सखी हो या कान्हा की? तुम्हारी राधा। तो फिर कान्हा का पक्ष क्यों ले रही हो? भूल गई, सारे कार्य करते हैं हम और श्रेय ले जाता है वो माखन चोर। हाँ राधा, इसलिए तुमने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि अब इन फूलों से ऋतुराज की मूर्ति हम बनाएंगे और वसंत उत्सव मनेगा हमारे बरसाने में। और ये सब किसके कारण हो रहा है? हमारे। तो बोलो राधा राधा, राधा राधा, बोलो राधा राधा। गोपाल? अरे गोपाल नहीं, राधा राधा। अरे तुम बोलती क्यों नहीं? इस समय तो उस ग्वाले का लटका हुआ मुंह देखने योग्य होगा, क्योंकि ये शोदा काकी दंत स्वरूप अवश्य ही उसी नीम का काढ़ा पिला रही होंगी। अरे लतिका, विशाखा, तुम दोनों इतने चिंतित क्यों हो? अरे चिंता छोड़ो और प्रसन्नचित हो जाओ, क्योंकि बड़ा नाम जप लिया ब्रज मंडल ने कान्हा का, अब सब बोलेंगे राधा राधा। कैसा मनोरम दृश्य है, जगत के स्वामी स्वयं नारायण देवी राधा को झूला झूला रहे, और सृष्टि की श्री देवी राधा अपने प्रेम के उल्हाने की वर्षा कर रही हैं प्रभु पर। धन्य है श्री कृष्ण और राधा, और धन्य है इनकी ये अद्भुत लीला। जैसा सखा जैसी संगति वैसी तो गति होगी ना कान्हा की। तुम लोगों ने देखा है कान्हा के सखाओं को? ऐसा लगता है जैसे कैसे लिया ईंट, कैसे लिया रोड़ा और कान्हा जी ने कुनबा जोड़ा। धामा को खाने से समय नहीं मिलता, और सोमर मंगल को कान्हा की हाँ में हाँ मिलाने से। पर राधा, कान्हा उस नौका की तरह है जिसके सहारे सभी ही भव सागर पार कर जाना चाहते हैं, तो इसमें बुरा ही क्या है? अब जब एक ही नौका पर इतना भार पड़ेगा तो उसका डूबना तो तय है ना लतिका। और वैसे भी उसकी ये नौका उसके सखाओं ने ही डुबाई है। भक्तो, उस दिन शक्ति स्वरूपा देवी राधा कान्हा के सखाओं के विषय में जो जानती थी, जो समझती थी, वो कह दिया। भगवान कृष्ण अपने विषय में तो सब कुछ स्वीकार कर सकती थी, पर उनके सखाओं को कोई कुछ कहे ये उन्हें कदापि स्वीकार नहीं था। पर पुरोहित जी, देवी राधा तो जगत जननी थी, वह भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाओं को जानती थी, तो फिर सब कुछ जानते हुए भी वह सब कुछ से अनजान क्यों बनी रहती थी? भला इस लीला के पीछे देवी राधा का क्या भाव था? तुलसी, यही तो भागवत का सार है। इसलिए तो कृष्ण राधे है, क्योंकि कृष्ण जो भी कर्म करते थे उसका कारण राधा होती थी, क्योंकि राधा संशय रूप थी, वो संदेह करती थी, और भगवान कृष्ण उन संदेहों का समाधान वो प्रश्न करती थी, और भगवान कृष्ण उसका उत्तर देते थे। पर पुरोहित जी, ये प्रश्न इतने आवश्यक क्यों थे? काकी, क्योंकि प्रश्न करना ही समस्या का प्रथम हल है। जब तक जीव जगत और ईश्वर के विषय में प्रश्न नहीं करेगा, उन्हें जान नहीं पाएगा, जब तक संशय दूर नहीं होगा, ना भक्ति उपजेगी और ना ही भगवान प्राप्त होंगे। यही श्रीमद् भागवत कथा का सार है, और उस दिन भी वही घट रहा था महावन में। कान्हा के सारे सखाओं में सिर्फ दाव भैया ही अच्छे हैं, क्योंकि केवल वो ही हमारी बात सुनते हैं। पर आजकल दाव भैया भी उस बड़बोले के बातों में आने लग गए हैं। पर उनको समझाना जितना सरल है, उतना ही कान्हा को समझाना कठिन है। अरे झूला क्यों रुका? झुलाओ झुलाओ, अभी तो कान्हा की सच्चाई हमने बताई ही नहीं। तो जो कहना है मेरे सामने कहो राधा, क्योंकि
पीठ पीछे कहने का क्या लाभ? गोपाल, तुम कब आए? तभी जब तुम मेरे सखाओं की बुराई कर रही थी। हम बुराई नहीं कर रहे थे, हम तो बस सच्चाई बता रहे थे। राधा, मैं जानता हूँ अपने सखाओं को। तुम तो स्वयं के विषय में भी नहीं जानते गोपाल, इसलिए हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब तुम आओ और हम तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बताएं। कौन सी सच्चाई राधा? यही कि तुम राधा के बिना कुछ नहीं हो। ये मोरपंख, ये भी हमने तुम्हें दिया है, और ये वैजयंती माला जिसको तुम धारण करते हो, ये भी हमारा ही दिया हुआ उपहार है। राधा, यदि ये बात तो तुम अपनी सच्चाई क्यों भूल जाती हो? क्यों भूल जाती हो? यदि मैं नहीं होता तो तुम अपनी आंखें भी नहीं खोलती। पूरे 11 महीने तक तुमने अपनी आंखें बंद रखी थी, जब तक कि मेरा जन्म नहीं हो गया था और तुमने मेरे दर्शन नहीं किए थे। वो तो ठीक है, पर तुम भी ये क्यों भूल जाते हो? ये बांसुरी जैसे बजाकर तुम पूरे संसार को मोहित करते हो, ये भी तुम्हें हमारे कारण ही मिली है। स्मरण करो, महादेव से हमने ही अनुरोध किया था तुम्हें ये बांसुरी देने के लिए। अच्छा, तो अब तुम चाहती क्या हो राधा? हमारे चाहने से क्या होगा? तुम तो वही करते हो जो तुम चाहते हो। हम केवल चाहते नहीं राधा, कर्म करते हैं। वो तो हम करते हैं, तुम तो बस श्रेय ले लेते हो। देखो राधा। काना, राधा शांत हो जाओ। तुम दोनों का वाक युद्ध युगों तक चलता रह सकता है और कोई परिणाम नहीं निकलेगा। तो अब आप ही बताइए दाऊ कि हम क्या करें। काना, पहले जिस कार्य के लिए आए हो वो तो पूछो। ये सब कुछ जानने वाली गोपी मुझे सब कुछ भुला देती। तो बोलो राधा, क्यों चुराए तुमने वृंदावन के फूल? क्योंकि इस बार का वसंत उत्सव वृंदावन में नहीं बरसाना में होगा। इसलिए चुराए वो फूल। पर राधा, पूरे ब्रज मंडल के सारे उत्सव वृंदावन में होते हैं, फिर वसंत उत्सव बरसाना में क्यों होगा? तुम वर्षों से चली आ रही परंपरा को क्यों बदलना चाहती हो? क्योंकि हम राधा हैं, इसलिए सदा धारा के विपरीत चलते हैं। इसलिए जो कभी नहीं हुआ वो अब होगा। इस बार का वसंत उत्सव बरसाना में ही होगा। वृंदावन बरसाना, वृंदावन बरसाना, वृंदावन बरसाना। हट्टी गोपी, तुम्हें तो समझाना ही व्यर्थ है। बट बोला गोपाल, तो प्रयास ही क्यों करते हो? हट्टी गोपी। बट बोला गोपाल। हट्टी गोपी। बट बोला गोपाल। अब मैं कुछ कहूँ? आप जो भी कहोगे वो हमें स्वीकार होगा दाऊ। दाऊ, कुछ भी कहिएगा पर इस गोपी का पक्ष मत लीजिएगा। काना, तुम मुझे जानते हो, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता। पर इस बार का बसंत उत्सव बरसाना में होगा या वृंदावन में, इसका निर्णय सिर्फ प्रतियोगिता द्वारा ही लिया जा सकता है। प्रतियोगिता? वो भी इस बंसी बजाइए से? दाऊ, प्रतियोगिता उससे होती है जो नियम विधान माने। पर ये तो धारा के विपरीत बहती है, इससे कैसे प्रतियोगिता? जाओ, मना लो इस बार का वसंत उत्सव अपने बरसाना में। उत्सव? वो भी तुम्हें हराए बिना? कभी नहीं, अब तो ये प्रतियोगिता होकर ही रहेगी, और तुम्हें पराजित करके हम मनाएंगे बसंत उत्सव अपने बरसाना में। जानता था मैं सुनोगी तो किसी के नहीं, इसलिए ठीक है। बताओ कौन सी प्रतियोगिता करनी है? आता है क्या है तुम्हें बंसी बजाने के अतिरिक्त? इसलिए तुम बंसी बजाना, हम नृत्य करेंगे, और जो थका वो हारा। स्वीकार है? हाँ स्वीकार है।
शक्ति स्वरूपा, देवी राधा का नृत्य और भगवान कृष्ण की बांसुरी का संगम श्रीमद् भागवत कथा का वो संगम है जिसमें प्रेम, आनंद और जीवन का हर उत्सव सम्मिलित है, जो जीवन को हर प्रकार से पूर्ण कर देता है। फिर क्या हुआ पुरोहित जी? क्या भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर देवी राधा का नृत्य हुआ? हाँ तुलसी, उधर महावन में उत्सव की तैयारी चल रही थी और इधर मथुरा में कंस इस उत्सव को शोक में बदलने की तैयारी कर रहा था। पर पुरोहित जी, कंस ऐसा क्यों कर रहा था? काकी, क्योंकि कंस को ये संदेह हो गया था कि उसकी मृत्यु जिस बालक के हाथों लिखी है, जिस बालक के लिए आकाशवाणी हुई थी, वो बालक कोई और नहीं अभी तो कान्हा ही है। इसलिए कान्हा को लाने के लिए उसने अपने महाशक्तिशाली असुर अरिष्ठासुर को वृंदावन भेजा। अरिष्ठासुर? हाँ तुलसी, अरिष्ठासुर जो इतना बलवान था कि उसके एक ही प्रहार से पूरी पृथ्वी कांप उठती थी। तो ये है वो वृंदावन जहां वो बालक रहता है जो महाराज कंस की मृत्यु का कारण बनने वाला है। पर अब कान्हा की मृत्यु का कारण बनेगा अरिष्ठासुर, और संसार की कोई भी शक्ति अरिष्ठासुर को रोक नहीं सकती। पुरोहित जी, अरिष्ठासुर में ऐसा क्या विशेष था कि भगवान कृष्ण का अहित करने के लिए कंस ने उन्हें भेजा था? तुलसी, अरिष्ठासुर एक ऐसा असुर था जो वृषभ का रूप भी धारण कर सकता था, और जब वो वृषभ का रूप धारण करता अविजित हो जाता। वृषभ के रूप में उसमें इतनी शक्ति आ जाती, वह अपने खुर के प्रहार मात्र से पूरी धरती को खंडित कर सकता था। पर पुरोहित जी, इस अरिष्ठासुर को इतनी शक्ति मिली कहां से? उसके लिए अरिष्ठासुर ने कई युगों तक महादेव की घोर तपस्या की थी। ओम नमः शिवाय। अरिष्ठासुर, आंखें खोलो वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। महादेव। प्रणाम महादेव, प्रणाम। बोलो वत्स, क्या चाहिए तुम्हें? हे महादेव, मैं जानता हूं कि आप विधि के विधान से बंधे हुए हैं, आप मुझे अमृतत्व का वरदान नहीं दे सकते, पर मुझे एक ऐसी शक्ति का वरदान दीजिए महादेव जिसे सृष्टि में असुर, देव, मनुष्य कोई भी मुझे पराजित ना कर सके। बस ऐसा वरदान दे दीजिए। एवं अस्तु, ऐसा ही होगा अरिष्ठासुर। मैं तुम्हें अपने प्रमुख गण नंदी के समान शक्तियां प्रदान करता हूं। तुम जब भी वृषभ रूप धारण करोगे तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगी, और वृषभ रूप में तुम अविजित रहोगे। अरिष्ठासुर, आपने मेरी समस्त मनोकामना पूर्ण कर दी। आप धन्य महादेव,
आप धन्य हैं। अब मैं अभिजीत हूं, अब राजा हूं। अब संसार की कोई भी शक्ति मेरा सामना नहीं कर सकती, कोई शक्ति मेरा सामना नहीं कर सकती। इस प्रकार महादेव से वरदान प्राप्त कर अरिष्ठासुर शक्ति का सागर बन गया था। अपने वृषभ रूप में वो अविजित और अपराजय था, इसलिए कंस ने उसे वृंदावन भेजा। उस समय वसंत उत्सव कहा होगा। इसको लेकर भगवान कृष्ण की बांसुरी देवी राधा के नृत्य के मध्य प्रतियोगिता चल रही थी और ठीक उसी समय अरिष्ठासुर कान्हा को खोजता हुआ यमुना नदी के किनारे पहुंच गया। कान्हा, तो सोच क्या रहे हो? बजाओ बांसुरी। राधा, एक बार और सोच लो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम मुझसे हार जाओ और फिर वृंदावन के वसंत उत्सव में तुम्हें आकर नृत्य करना पड़े। वो तो तुम सोचो ग्वाले, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी सांस फूल जाए और तुम्हें बरसाना में आके वसंत उत्सव मनाना पड़े। अब तो तुम्हें अपनी धुन पर नचाना ही होगा राधा। तो फिर निकालो बांसुरी, आज तो ये राधा बदल कर रहेगी तुम्हारी सोच की धारा। महादेव, एक और शक्ति स्वरूपा देवी राधा है तो दूसरी और श्री कृष्ण, दोनों एक दूसरे के पूरक है, फिर दोनों के बीच ये प्रतियोगिता कैसी? सत्य कहा देव आपने, जब संसार में प्रकृति और पुरुष की प्रतियोगिता होती है तो उसका एक ही अर्थ है, संसार में कुछ नवीन स्थापना होने जा रही है। एक ऐसी स्थापना जिसमें निहित होगा संसार का कल्याण और हित। विश्वास न तुम लोगों को अपने कान्हा पर, उसका फिर अंत करूंगा मैं। क्या हुआ गोपियों, कान्हा का जीवन संकट में है? तुम्हारा लल्ला कहाँ है जो मेरे महाराज कंस की मृत्यु का कारण बनने वाला है? कितनी बार कह चुकी हूँ कि कान्हा सिर्फ मेरा लल्ला है। कान्हा तुम्हारा नहीं, देवी और वासुदेव का है। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमालू टीवी पर।